अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो इस वाले वीडियो में हम जो है तो डिज़ाइन टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट की तरफ। यहाँ से मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट टाइप को जो है तो वो ख़त्म कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम डिज़ाइन टाइप पढ़ेंगे। तो याद रखें कि ये वाला डिज़ाइन टाइप जो है तो ये डॉक्यूमेंट के लिए सही है। अगर आप को याद होगा, अगर मैं यहाँ से आपको फिर से दिखाता हूँ थोड़ा, मैं यहाँ पर एक मैंने टेबल ले लिए। तो टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ एक दूसरा डिज़ाइन और लेआउट का और जो टैब है तो वो ओपन हो गया है। तो ये दोनों जो है तो ये सिर्फ इस टेबल के लिए है, मतलब इसमें सारे टेबल के लेआउट्स और टेबल के डिज़ाइन वगैरह होंगे। लेकिन ये जो डिज़ाइन वाला टैब है तो ये डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन वाला टैब है। अच्छा, तो हम डायरेक्ट डिज़ाइन वाले टैब में आ गए हैं। अभी यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर मैं कोई स्टाइल वगैरह इस पर अप्लाई करता हूँ पहले से। यहाँ से सारे को सेलेक्ट करके यहाँ से इस पर कोई स्टाइल मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पर डिज़ाइन में आ जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास जो पहला वाला टूल है तो ये थीम के नाम से है। तो थीम में यहाँ पर मेरे साथ मुख्तलिफ थीम्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप नीचे आ जाए तो और भी थीम्स आपको मिल जाएंगी। तो थीम्स में असल में होता क्या है कि इस टेक्स्ट पे मुख्तलिफ किस्म के कलर्स और फॉर्मेट्स वगैरह अप्लाई हो जाते हैं, मतलब या ये कैपिटल हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, या कैपिटलाइज ईच वर्ड जो हमने होम टाइम में पढ़ा था वो इस पर अप्लाई हो जाता है, और मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं इस पे अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ से आप अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो रिसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर और थीम्स अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको और थीम्स वगैरह भी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप इसको डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मेट इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है आपके साथ। तो इसमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक, तो इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पर आप अगर कोई और कलर इसमें लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर्स में आप आ जाएं और यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के कलर्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, कस्टमाइज कलर। तो अगर इसमें कोई कलर आपको मतलब अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ पर कस्टमाइज कलर में आ जाएं। यहाँ पर कोई भी कलर आप अपने आप से बना लें और इसको कोई नाम भी दे दें और इसको फिर सेव कर लें। सही है, तो अगर जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे तो यहाँ पर जो कलर्स वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर आपके साथ वो उसी नाम से आ जाएगा। फिर आपको मतलब यहाँ से इस पे अप्लाई कर सकते हैं वो वाला कलर्स वगैरह। अच्छा, इसके अलावा जो है तो हमारे पास फॉन्ट्स हैं। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर जो हम होम में थे, होम में यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ जो फ़ॉन्ट्स थे वो मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। इसमें से कुछ फ़ॉन्ट्स जो है तो उस तरह है, मतलब वो हमारे पास जो होम टैब है उसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर अलग से एक टूल भी दे दिया है हमारे लिए इधर ही डिज़ाइन वाले टैब में। इसके अलावा जो है तो पैराग्राफ स्पेसिंग के नाम से टूल है हमारे पास। तो ये मतलब नाम से ही हमें पता चल जाता है कि पैराग्राफ में जो स्पेसिंग वगैरह होती है तो वो इंक्रीज और डिक्रीज इधर से आप कर सकते हैं। सही है, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं उस पर कर्सर रख रहा हूँ तो वो मतलब उसके मुताबिक अरेंज हो जाता है। यहाँ से आप कस्टमाइज पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने लिहाज से कुछ और इसको मैं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाए, आप वहाँ से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इधर से यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन ये वाले टूल जो है तो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर डिज़ाइन टैब में जो है तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टूल है तो वो वाटर मार्क है। तो वाटर मार्क करता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह या कॉलेज वगैरह जो होते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क लगाते हैं, उसमें कोई टेक्स्ट वगैरह होता है या उनका लोगो होता है, तो वो ये शो करने के लिए कि ये इनका जो है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो वो आप यहाँ से इस पर लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड में जो है तो एक वाटर मार्क इस पर लग चुका है। सही है,
यहाँ से जो है तो आप वाटरमार्क को हॉरिजेंटल या वर्टिकल भी रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टाइल्स वगैरह है, इसमें नीचे आ जाए तो और भी कुछ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप कस्टमाइज वाटरमार्क के ऑप्शन में आ जाए तो यहाँ पर आप अगर कोई नाम देना चाहते हैं अपने स्कूल कॉलेज का या जो कुछ भी इधर लिखना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ मैंने लिख लिया, और यहाँ से जो है तो फ़ोन का जो स्टाइल वगैरह है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और हमारे पास इसका ऑप्शन होता है कि यहाँ से हाँ इसको कोई कलर वगैरह दे दें। तो कोशिश करें कि जब भी आप वाटरमार्क सेलेक्ट करें तो उसको लाइट कलर दे। सही है, मतलब ये अभी ब्लू है तो ब्लू में आपने फुल डार्क ब्लू नहीं देना, इसको कुछ इसको थोड़ा कम कर लेना है। सही है, और मैं इस पे ये अप्लाई करूँ, यहाँ से ओके करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस पे जो है तो ब्लू कलर अप्लाई हो चुका है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर है जो कि ये वाला है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट के नाम से, तो ये वाले जो है तो आपने चेक इसको करना है। सही है, अगर इसको आप चेक ना करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको चेक किया है, सही है, पेटेक लगाया है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये किस तरह नज़र आएगा, ये इस तरह का होगा। मतलब मैं जो है तो इसके ऊपर जो टेक्स्ट है तो वो इजीली रीड कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं जो है तो टिक मार्क हटाता हूँ या यहाँ से ओके करता हूँ, तो अब अगर मैं प्रिंट दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है तो डार्क हो गया है, और अभी जो है तो हमें ये इतना डार्क नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब ये प्रिंट होगा तो ये वाला जो टेक्स्ट होगा तो वो इजीली विजिबल नहीं होगा लोगों के लिए। तो ये वाला आपने याद रखना है कि यहाँ पर आपने जो सेमी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है तो यहाँ से ओके कर लेना है। सही है, यहाँ पर जो है तो और भी आपको मुख्तलिफ किस्म के वो मिल जाएंगे ऑप्शन, पिक्चर वाटर मार्क, तो अगर आप कोई पिक्चर यहाँ पर लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप इस पे जो है तो क्लिक करें और यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर, तो सेलेक्ट पिक्चर में फिर आपको ये दे देगा कि यहाँ पर कहाँ पर आपका जो फाइल है तो वो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ फ्रॉम अ फाइल, तो ये मेरे पीसी में जो कुछ है तो वो यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा खुद ब खुद ही। यहाँ से अगर मैं कोई पिक्चर इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ से जेड, यहाँ से फिर ओके मैं कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड में जो है तो वो वाटरमार्क अप्लाई हो चुका है। सही, अच्छा, इसके अलावा जो है तो हमारे पास पेज कलर है यहाँ पर, तो पेज कलर आप मतलब उसी से नाम से ही पता चल जाता है किसी को के क्या चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसका कोई कलर ले लूँ तो इस पे जो वाटरमार्क है तो वो बहुत ही विजिबल हो जाता है, लेकिन याद रखें जो इसका जो कलर है तो वो सिर्फ आपको एमएस वर्ड में ही शो होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट, आपको यहाँ पर जो है तो अभी जो टेक्स्ट है तो वो वाइट और बैकग्राउंड ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से प्रिंट बटन दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है तो वो यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो ये आप मतलब सिर्फ बस प्रेजेंटेशन के लिए इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अलबत्ता ये जो है तो प्रिंट में नहीं आएगा। यहाँ से जो है तो फिर अच्छा, यहाँ पर जो है तो हमारे पास नो कलर, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, और यहाँ पर मोर कलर्स का ऑप्शन भी है और फिल इफेक्ट भी है हमारे पास, तो आप इसको फिर खुद ही एक्सप्लोर करें यहाँ से। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टूल है हमारे पास डिज़ाइन टैब में, तो वो जो है तो पेज बॉर्डर का है। तो पेज बॉर्डर असल में करता क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पेज बॉर्डर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से ओके करूँ, मैं यहाँ से पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर पेज बॉर्डर, और फिर यहाँ से ओके करूँगा, यहाँ से सॉरी, मैंने यहाँ पर नन सेलेक्ट किया था, यहाँ से कोई मैं लेता हूँ पेज बॉर्डर, और यहाँ से फिर ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस पे अप्लाई हो चुका है। सही है, यहाँ पर जो है तो पेज बॉर्डर में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है, जैसे कि इसका जो कलर है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है तो बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर है जो है तो आप मतलब अगर कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ पे अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर बॉर्डर्स में आ जाए और यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करें, यहाँ से ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पैराग्राफ पे जो है तो बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। सही, यहाँ पर जो है तो और भी ऑप्शन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल शेडिंग, तो शेडिंग में जो है तो हमारे पास नो कलर वगैरह है, आप देख सकते हैं यहाँ से,
यहाँ पर जो है तो इसका जो स्टाइल है तो वो भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है तो पेज बॉर्डर में हमारे पास और ऑप्शन भी है यहाँ पर आर्ट के नाम से। तो आर्ट के नाम से जो है तो यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा जो शादी के कार्ड्स वगैरह होते हैं तो वो जो है तो यहाँ पर एमएस वर्ड में भी आप इस तरह बना सकते हैं। उसका जो बॉर्डर होते हैं तो यहाँ पर आर्ट के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मौजूद हैं मेरे पास। अगर मैं यहाँ से कोई सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से ओके करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट आपने ज़रूर कर लेना है। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।